सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ग्रुप सुमन वॉक्स। तो अभी जो है दोस्तों टाइम 10 बजे बोले तो हमारे मीनू दुकान से आए होते हैं। तो अभी सुमन जो है अभी रात के खाने में क्या बना रही बोले तो क्या बना रही तुम्हें अभी स्पेशल है? रोटी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, खाना पकाऊंगी, बैगन सलाद पकाऊंगी, अभी सलाद पकाऊंगी। वो क्या बोले तो सुक्के मच्छा का एक्चुअली इसे जो है सुक्के मच्छा का सालन नहीं बोलते। अभी जो है हमारे घर में स्पेशल क्या बन रहा बोले तो तुम्हें बना रहे को उसे कौन सा मच्छी बोलते मालूम क्या तुम ना? झिंगे बोलते हैं उसे। और सुक्के मच्छी में जो है ये जबरदस्त और टेस्टी बनता है। तो चलो ये रेसिपी कैसा बनाते हैं बोल को देखेंगे अभी। ऑल राइट दोस्तों, तो ये देखो अभी झिंगे का सालन यानी सालन बनता नहीं है, ये जो है सुक्का बनता है। उसे देखो क्या क्या लिया बोले तो अभी यहाँ हरी मिर्चा ले से और प्याज ले से और ये धनिया ले से यानी कोथिंबीर ले से। अभी सबसे पहला यहाँ क्या कर रहे हैं बोले तो झींगे को जो है अच्छे से गर्म करना, तवे के ऊपर गर्म करना। नहीं जी, हाँ, लाल होने के बाद ये जो है ये इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं बोलो, इसे झींगिया का पचड़ी बोलते हैं। इसे पचड़ी नहीं बोलते जी, सालन पकाऊं जी। वो जी सालन है, सालन जो है ये सूखा बनता है, ड्राई बनता है। और ये जो बनने के बाद जो है इतना जबरदस्त इतना टेस्ट बनता बोले तो वो कौन खाते नहीं उनको मालूम है कैसा बनता बोल को। मस्त बनता है, केवल तो मैं खाते ही, मैं जो है कल तो खाया था ये। अभी इसे जो है कैसा कैसा खा सकते हैं बोले तो रोटी में खा सकते हैं और गेहूँ की रोटी में खा सकते हैं और खाने में खा सकते हैं। अभी कल जो है तुम्हें ये मस्त बनाए थे। अभी कल मैं ये ब्लॉग बनाना बोले तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, क्या भी नहीं था। तो मैं आज जाकर मोबाइल लेकर आया, उसके वास्तरीच हमारे जो है 2 दिन ब्लॉग आए नहीं, तो उसके लिए मैं सबको भी दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो आज से ब्लॉग जो है कंटिन्यू आते हैं, तो हमारे ब्लॉग को देखो और सपोर्ट करो। अभी क्या भूल ली है? गैस बंद कर, तो चलो गैस बंद कर लो। अभी तुम्हें लाल होना बोले वो होना बोले क्या ये लाल इतना क्या? तो इसकी खुशबू जो है गली भर को फैलता है। देखो मेरे ख्याल से अभी बाहर लोग सोचते रहते हैं किसके के घर में झुंगे बन रहे बोल को। और जरूर लोग कहा है बिल्ली, कहाँ है कहाँ है बा बिल्ली है? बिल्ली वहाँ है, छोड़ो बिल्ली वहाँ है, बिल्ली वहाँ है। और इसकी खुशबू जो है बहुत जबरदस्त रहता है और गली में पूरा फैले रहता है। अभी क्या करेंगे तुम्हें? इसमें बनाते हैं। चलो फाइनली बनाने शुरू करें तुम्हें। अभी बच्चे क्या बढ़िया तले थे क्या भजन तले थे तुम्हें अभी? हाँ क्या, हाँ हाँ इसमें बोल रहे हैं तुम्हें, इसमें जो है बच्चे बढ़िया तले थे। ये बराबर है, ये बराबर बात है। अभी ये झींगे का सालन जो है ये मस्त बनता है, हमारे अम्मी को जो भी बहुत पसंद है। हमारे अम्मी का नाम बोलने का हमें खाने का क्या करते हैं ऐसा बोलते हैं, हमें तो हमारे अम्मी को पसंद बोलते हैं, हमें खाते हैं ऐसा तो। हाँ देखो हमारे अम्मी दुकान से आई है अभी, अल्लाह 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 जी बोल रहे हैं। अभी हमारे अम्मी को एक टेंशन क्या बोले तो अभी मोहर्रम आया, मोहर्रम में जो है भी दुकान लगाना नहीं मैं, मोहर्रम की तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी। हाँ कितने दिन मैं? 6 दिन यानी हमारे गांव में क्या बोलते हैं उसे खुदाली बा को 5 दिन को बीबी फातिमा पढ़ते हैं, बीबी फातिमा बैठ को 5 दिन को हमारा दुकान शुरू है ना मैं। तो 5 दिन हमें कहाँ रहते हैं बोले तो दुकान में फुल बिजी रहते हैं और सब जने बिजी रहते हैं, लेकिन सुमन का काम क्या बोले तो खाना बनाने का, बोली खाली खाना बनाने का। अभी क्या करें? प्याज भी डालिए और मिर्चा भी डालिए। मैं बातें में क्या करा बोले तो रेसिपी नहीं लिया मैं। अभी पहला जो है तुम्हें तेल डालिए, उसके बाद में प्याज डालिए और मिर्चा डालिए। अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। तो चलो देखेंगे अभी फ्राई करने के बाद तुम्हें क्या करते हैं बोल को। ऐसा तो तुम्हें जो है रेसिपी कल झिंगे का रेसिपी मस्त बनाए थे और ये वीडियो को कौन देख रहे हैं? एक बार यानी ये मछली ये झिंगे खाने वाले एक बार ऐसा बना को ट्राई करो तुम्हें, तुम्हें बार 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 ऐसा च बनाते हैं।
अभी ऐसा तो हम ये ऐसा हफ्ते में एक बार दो बार खाते रहते हैं कि बोले तो हमारे अम्मियों जो है मछली का व्यापार करते हैं। अभी क्या डालने का धनिया, तो चलो फाइनल अभी कोतिंबीर डाल लिए। कोतिंबीर डालने के बाद फिर हलाने का, यानी ये कितना अच्छा फ्राई होता उतना अच्छा झींगे का सालन बनता है। अभी क्या डालना है, हल्दी डालना है क्या फिर है? चलो इसे हल्दी भी डालना। अभी ये देखो तुम्हें, ये दिखने में जो है तुम्हें थोड़ा सफेद सफेद दिख रहे हैं, अभी क्या नमक है ये? स्वाद के अनुसार नमक। अभी ये जो है तुम्हें झींगे थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, अभी उसमें डाले बोले तो ये क्या मस्त कलर आते हैं, बोले तो लाल बनते हैं नहीं जी? हाँ ये लाल बनते हैं, और तुम्हें बहुत कम लिए ये बस बोले डालेंगे। अभी देखो अभी फाइनली बर्तन में डाले हैं, अभी इसे अच्छे से हिलाना, कितना ये तेल में फ्राई होते हैं उतना टेस्टी बनता। देखो शुरू आ जाएगा कलर आने को, देखो लाल होने लगे गए झुंगे। लाल पीले क्या तुम्हें, क्या बात कर रहे हैं? लाल पीले काले नीले झींगे लाल हो रहे थे, प्याज पीले हो रहे थे। उसे देखो देखो मैं क्या और बोला यहाँ, मैं पूरा लाल हो रहा हूँ यहाँ। चलो अभी फाइनली झींगे बनाने को तुम्हें शुरू करे। ऐसा था लाना जी, हाँ मैं तो नीचे दाग लगता जी। ये जो है मस्त बनते हैं जी, मस्त बनते हैं और खाने में मस्त टेस्टी बनते हैं। क्या हुआ क्या अभी? अभी 5 मिनट के बाद बन को तैयार होता हूँ तो ये। चलो अभी हमारे मेन दुकान से आई है, अभी सब बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ऐसा तो हमारे घर में झींगे जो है बहुत कम लोग खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, मैं खाता हूँ और तुम्हें खाते हैं और हमारे मेन खाते हैं। अभी हमारे अब्बा ने तो मच्छी मूर्ति नहीं मच्छी आ गया अभी। देखो ये मस्त बन को तैयार हुआ है। अभी गरम गरम जारी की रोटियां या गेहूँ की रोटियां के साथ में खा कर छोड़े तो तमन्ना तो क्या होता? हाँ आज देखो माँ तमन्ना नया फोन में उसके लिए बोल रहा तू, अब्बा का पुराना फोन कहाँ बोल को? उसके लिए बोल रहे समय। पुराना फोन गया नया फोन आया। अब ये क्या है फिर? दाल बना रहे क्यों? ऑल राइट दोस्तों, तो ये देखो अभी मैं क्या बोल रहा था, बोले तो यार झिंगिया को झिंगे की का बोल रहा था मैं तो। यहाँ सुमन भी हंस रही, हमारे अम्मी भी हंस रहे, सब जन हंस रहे। अभी ऐसा तो ब्लॉग में डालना मुझे अच्छा लगता नहीं। अभी ये जो है झिंगे का रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और खाने में जो है जबरदस्त टेस्ट बनता है। एक बार तुम्हें अभी जो हमें दिखा ये ऐसा रेसिपी बना को ट्राई करो, तुम्हें बार बार ये बनाने को खाते हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को तुम्हें पहली बार देख रहे बोले तो सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय भारत जय कर्नाटका।